भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा हो रहे उत्तर प्रदेश संगठन के चुनाव के संदर्भ में मैदागिन राजीव भव कांग्रेस कार्यालय में चुनाव एवं सदस्यता अभियान के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ, जिसमें महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राघवेंद्र चौबे व युवा कांग्रेस के प्रदेश चुनाव अधिकारी दीपक चौधरी तथा प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। ये 24 की नहीं, बहुत पहले से हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा कर्मठ जुझारू युवाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया 2011 से पूरे देश में, जिसमें युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ और उसमें विधानसभा इकाई, उसमें पहले तो लोकसभा इकाई, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश इकाई प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो अपने प्रदेशों में अपने विधानसभा में अपने जिलों में जो सक्रिय युवा थे और किसी न किसी कारण से किसी मठाधीशी के कारण या किसी अन्य कारणों से वो समाज में आगे नहीं आ पाते थे, ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक चुनावी प्रक्रिया, सरल चुनावी प्रक्रिया, मुझे लगता है कि अब तो और सरल हो गया है, ये मैंने सभी साथियों को दीपक जी को और शर्मा जी को, दीपक चौधरी जी और प्रकाश जी जो यहाँ के लीडरों हैं, इन लोग को बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और ऐन लोकसभा चुनाव के पहले नए सदस्यों को जोड़ने के लिए और नए पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी देने का और पारदर्शी तरीका, इसमें कोई सदस्य या कोई विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला या जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला या प्रदेश महासचिव निर्वाचित होने वाला, प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला, जिसके अंदर जितनी कर्मठता रहेगी, जो राहुल जी ने एक नारा दिया है जो जितना कर्मठ होगा उतना आगे आएगा, और उन्होंने एक बार हमें याद है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो मंच पे उन्होंने एक कुर्सी नहीं लगवाई और पूरे देश का आह्वान किया कि ये पूरा मंच खाली है, हिंदुस्तान के नौजवानों उठो, आओ अपनी कर्मठता से इस मंच को भर दो। मुझे लगता है कि उसी दिशा में प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से ईमानदार कर्मठ जुझारू लोगों को दायित्व मिलेगा और अपनी कर्मठता से, किसी की कृपा पे नहीं, अपनी कर्मठता से उस पद को हासिल करेंगे और अपने साथ न्याय करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। एक और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी युवाओं को एकत्रित किया जा रहा है, जोश भरने के कार्य किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी आए थे, क्या लगता है किस तरह से युवाओं को आगे किया जाएगा लोकसभा चुनाव में, दोनों पार्टियां भी लगातार? मुझे तो लगता है कि युवाओं के साथ अगर किसी दल ने और किसी नेता ने सबसे ज़्यादा छलावा किया सब जवाब दिखा करके, तो संगठन होगा भारतीय जनता पार्टी और उस नेता का नाम होगा नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा मंचों से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का दावा करने वाले, 9 साल बीत गया और प्रमोशन का पत्र बांट करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और सबसे ज़्यादा इन नौ सालों में अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति छला गया है तो वो नौजवान छला गया है। सैनिकों के साथ क्या कर रहे हैं, अग्निवीर योजना ला करके नौजवानों के लिए अवसर और कम करने का प्रयास इनके द्वारा हो रहा है और नौजवान जान चुका है, जाग चुका है और 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाने का मन बना चुका है। 24 के चुनाव के पहले ही युवाओं को आगे किया जा रहा है, क्या युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है चुनाव? नहीं, हमारे यहाँ तो हम संगठन में ले रहे हैं ना, हम युवाओं के लिए जो हमारी योजना रहेगी, और संगठन हमेशा रिसाइकिल होता है, 2011 में चुनाव हुए, 2014 में चुनाव हुए, 2019 में मनोनयन हुआ सबका, और फिर ये प्रक्रिया है, संगठन की सतत प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती है, आगामी फिर 3 साल के बाद 5 साल बाद फिर ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो ये कहीं कोई नहीं, संगठन को सक्रिय करने के लिए और सक्रिय लोगों को भागीदारी देने के लिए हमारे IYC के हमारे श्रीनिवासन जी द्वारा और तमाम अपने साथियों द्वारा ये चीज़ें अपनाई जा रही है, हम सभी लोग, और मुझे लगता है कि नौजवान, खास करके उत्तर प्रदेश का नौजवान इस अवसर की प्रतीक्षा में था और आगामी जो 1 महीना सदस्यता अभियान चलेगा, आप देखिएगा पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर सदस्यता कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश में होगी। सर, एक सवाल मेरा था कि जिस तरह से युवाओं को आज जोड़ा जा रहा है चुनाव में, आने वाले भविष्य में जिस तरह से मोदी ने वादा किया था
युवाओं के लिए करेंगे, क्या आगे चल के इन युवाओं के लिए कुछ करेंगे या फिर इन्हें सिर्फ भागीदारी हाँ, संगठन में लेंगे? निश्चित रूप से हम उनको संगठन में भागीदारी देंगे, उनके लिए नीतियां बनाएंगे और उनके लिए जो उनकी बेहतर भविष्य के लिए हो सकेगा कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया है और आगे भी करेगी। आप बताइए कोई ऐसा दल का नाम ले लीजिए आप जिसमें इस तरह से मंच सजा करके युवाओं को अवसर दिया जा रहा हो। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में सीधे नियुक्ति होती है और उसको थोप दिया जाता है। हमारे यहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है और शुरुआती स्तर से हो रही है। जो नौजवान संघर्ष करके एक महीने की मेंबरशिप करके अपने उस पद को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से उसके अंदर एक चाव रहेगा कि अपने काम से हम नेतृत्व का दिल जीते और समाज में अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी मजबूत पहचान बनाए। वर्तमान सरकार द्वारा परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा है कांग्रेस पर, ऐसा तो नहीं कि युवाओं के साथ भी परिवारवाद वाला भेदभाव देखा जाएगा कांग्रेस? अगर परिवारवाद थोपा जाना होता तो ये चुनाव, और आपने देखा ये कोई ये नहीं है स्वाभाविक रूप से है, सब लोग अपने मोबाइल से करेंगे और अपने मोबाइल से ही वोट डालेंगे चाहे अपने कंप्यूटर से वोट डालेंगे और ये वोट जाके वहाँ उनको काउंट हो जाएगा। अगर परिवारवाद को बढ़ावा देना होता तो सीधे हम किसी की नियुक्ति करके जारी कर देते, लेकिन हमने कहा ना कि राहुल जी ने AICC का पूरा मंच खाली करके कहा कि मैं हिंदुस्तान के और कांग्रेस के से जुड़े युवाओं का आह्वान करता हूँ कि ये मंच खाली है, आइए इसको अपनी कर्मठता से भर दीजिए, ये उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव आयोग से हूँ और उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से चुनाव एवं सदस्यता अभियान चालू किया गया है, इससे संबंधित जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूरा पूर्वांचल में अभी भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से चुनाव और सदस्यता अभियान चालू हो गया है जो 21 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 22 तारीख से लेकर 29 तारीख को शाम के 5 बजे तक हमारा नॉमिनेशन का प्रक्रिया चलेगा। नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा 1 तारीख और 2 तारीख को उसका स्क्रूटनी होगा, जिसका हम 5 अक्टूबर को हम फाइनल सिंबल एलोकेट कर देंगे, सभी नॉमिनेट उम्मीदवार को घोषणा कर देंगे। उसके बाद हमारा 10 अक्टूबर से मेम्बरशिप और चुनाव का प्रक्रिया होगा जो 8 नवम्बर के शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद हमारा उसको वोटर्स को स्क्रूटनी करके हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इस बार जो हमारा चुनाव का प्रक्रिया होगा पूरी ऑनलाइन, जो विथ IYC मोबाइल एप्लीकेशन है इसी के माध्यम से किया जाएगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं किया जाएगा। मनोनय का प्रक्रिया जो था वो अब ख़त्म कर दिया गया है और पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगा और जो हमारे युवा हैं वो जो 18 से 35 वर्ष के बीच के युवा हैं वही हमारे मेम्बर बनेंगे, उन्हीं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और राहुल जी को सोच कर आगे को बढ़ाने का प्रयास। किस पद पे होने वाला है ये चुनाव? हमारा 4 कमेटियों के लिए होगा, जो पहला है विधानसभा कमेटी, दूसरा है जिला अध्यक्ष कमेटी, तीसरा है स्टेट जनरल सेक्रेटरी कमेटी और चौथा है आपका स्टेट प्रेसिडेंट कमेटी। एक आदमी 4 वोट डाल पाएंगे चारों कमेटी के लिए और एक व्यक्ति किसी एक कमेटी के लिए ही नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। युवाओं का ये चुनाव कराया जा रहा है, लोकसभा के चुनाव के काफ़ी नज़दीक, इस तरह की तैयारियाँ कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस युवा? नहीं, ये युवा कांग्रेस का चुनाव पूरा देश में 1x1 करके चलता ही रहता है और उसी से संबंधित ये अभी पे यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसको ऐसा हम नहीं जोड़ के बोल सकते जो सिर्फ लोकसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों के लिए ही यहाँ पे किया गया है, ऐसा नहीं है, पूरे देश में चल रहा है। आपने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम से चुनाव कराएंगे, जो ऑनलाइन में कैसे होगा चुनाव, क्या निष्पक्षता है उसमें? ऑनलाइन में हमारा जो भी था IYC एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन में, हम उसी से नॉमिनेशन कराते हैं और उसी से मेंबर बनाते हैं और उसी समय उसको वोट डलवाते हैं। जब हमारा कोई मेंबर बनता है उसी समय वो चारों कमेटी के लिए अपना अपना वोट डाल देता है, ऐसा नहीं है जो वो मेंबर बनने के बाद हमें वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है, वोट डालते ही वो सिस्टम ऑटोमेटिक उसको लॉक कर देता है और उसके बाद वो अपना पेमेंट करके अपना सुनिश्चित कर लेता है जो मेरा वोट रिजर्व हो गया। ऑनलाइन चुनाव कराने की किसी तरह से ऑनलाइन ये सरलता के कारण हम लोगों ने किया है, ऑनलाइन में बहुत ही सरल होते हैं और दूसरा बात हम फिजिकली कहीं डॉक्यूमेंट लेके कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता है। तीसरा बात है हम जो अभी मेंबर बना रहे हैं इसमें क्या है, इंडिविजुअल कैंडिडेट भी अपना मेंबर बना सकते हैं और मेंबर अपना खुद मेंबर बन सकता है, हम किसी को ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट का कोई ID जनरेट करके ही वो मेंबर बनाएंगे, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से भी अपना अनाउंसमेंट करेगा जो मैं मेंबर बनना चाहता हूं तो खुद से अपने मोबाइल में विथ IYC एप्लीकेशन डाउनलोड करके और खुद से स्वेच्छा से मेंबर बन सकता है। मेंबर बनने के लिए क्या प्रक्रिया रहेंगी?
मेंबर बनने के लिए हमारा सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड को हमने मैंडेटरी रखा है, जो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से ही हम मेंबर बनाते हैं, और इसके अलावा हम और कोई दस्तावेज नहीं लेते हैं, सिर्फ वो 18 से 35 साल के युवा मेंबर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है आज की डेट में, वो आधार से काम चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करें? अभी आधार पे हम लोग का सिस्टम अभी मुझे डिसाइड करके नहीं दिया है, अभी हमें सिर्फ वोटर आई डी कार्ड पे ही काम करने के लिए दिया गया है।